और उसको ये इसने एक बार कर दी, मैंने इसको बोला नहीं, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी, तो अंदर ही अंदर फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन सा रहेगा। और वही काम फिर इसने दोबारा से किया तो फिर और चिड़चिड़ापन हो जाएगा। फिर तीसरी बार किया तो ऐसे इकट्ठा होगा, फिर एकदम से बम फटेगा। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अब हम आ गए हैं फ्लैट पे, बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर। अब मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए, ये भी जा रहे हैं ऑफिस। खाना हम घर से पैक करके लाए थे, तो खाना तो हमने खा लिया है, टिफिन भी मैंने रख लिया है, हम निकलते हैं। मंजुला को बनाना अंदर हट जा। बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी है इसकी। जो चाट उंगली, चाट उंगली मैं तो खा लिया। देखो कहाँ कोने में घुस गया, देख रहे मैं तीन लड्डू नहीं बंटी। गोलू आ गया कॉलेज से, क्या खा रहे हो? गोल गोल माठा माठा दिखाना, माठा। हमारे गांव में इसको बोलते हैं गोल। और गोलू किया माठा, हमारे यहाँ गोल ही बोलते हैं, माठा बोलते हैं, माठा माठे। ये तो जैसे भात वगैरह मांगने जाते हैं तब लेके जाते हैं ना, है ना, शादियों में बनते हैं। हाँ तो गांव में कोई आया होगा तो मम्मी के पास आई थी तो कमलू लेके आया है। हम तो आ गए थे मॉर्निंग में जल्दी बाइक से, मैं और गोलू दोनों। कमलू आया है बाद में, फिर वो बस से आया है तो मम्मी ने भेजा है, कमलू लेके आया इनको। तो मैंने खाया थोड़ा सा, गोलू को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो गोलू खा रहा है। और घर पे एनिवर्सरी मन गई, कॉलेज में मना के आया है, लड्डू बांट के आया है सभी को, अपनी सहेलियों को लड्डू खिला के आया है। और एक लड्डू बच गया है उसको मेरे लिए, मधु के लिए, लो जाओ तो तुम खा लो। उसको मधु खा रही होगी। तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या बोलना चाहोगे? इनका हंसने का मतलब है कि सदा खुश रहो। जैसे मैं कैमरा सामने करता हूँ एकदम खुश हो जाती है बस। और ये हमारे स्वामी जी जो कि चिंतन मनन कर रहे हैं घर से आने के बाद में, सोया है 2 घंटे। तो मैं कैसी लग रही हूँ इस मस्त सी टी शर्ट में, पता है किसने दी है? मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी। मैं लेके आई हूँ इसके लिए इसका गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट। पहले लेकिन सरप्राइज था इसका, सरप्राइज पहले ही खोल दिया। सरप्राइज पहले ही खोलेगा यार, मैंने खुद ही। सो ब्यूटीफुल, कल इसी को पहन के हम पार्टी करेंगे मस्त। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ घर पे, अपने घर। मेरे पापा ने हमारा नौता किया एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए। पापा की हार्दिक इच्छा थी कि हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, इसलिए हम जा रहे हैं। वो भी नीचे पहुंच गए हैं, मैं भी जाती हूँ, निकलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं। हम मिठाई पैक करवा रहे हैं घर के लिए, बस पहुँचने वाली हैं, ज़्यादा दूर नहीं। घर पे भाभी जी बना रही हैं मिठाई, बड़ा टेस्टी टेस्टी। राम राम। राम राम सर। राम राम मम्मी। वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, नाइट का समय, बस ज़्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है बट। तो हम लोग आ गए हैं फ्लैट पे,
खाना वाना हमने वहीं खा लिया था, कमलू और मधु ने यहीं खा लिया था, वो लोग गए नहीं थे। आज पापा ने यानी कि गोलू के पापा ने एक बात बोली थी, यानी कि इनकी बड़ी दीदी से बात चल रही थी फ़ोन पे, तो वो बोल रही थी मेरी तो एनिवर्सरी मनाई नहीं और इसकी इनकी मना रहे हो तुम, यानी ऐसे होता है ना भाई बहन में या बहन बहन में, या ऐसी मजाक कर रही थी। तो फिर पापा एक बात बोल रहे थे, पता है मैं इनकी एनिवर्सरी क्यों मना रहा हूँ कि हाँ क्यों मना रहे हो, कि इन दोनों को एक साल हो गया अभी तक मेरे पास शिकायत नहीं आई है लड़ाई होने की कि हमें लड़ाई हुई है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए इनकी एनिवर्सरी मना रहा हूँ। वैसे ये बात है क्योंकि ज़्यादातर रिश्तों में ऐसे ही होता है, शादी होती है तो स्टार्टिंग में क्या है प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है, लड़के को भी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। पर हम तो है ना मतलब कुछ भी समझ लो समझदार या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब ऐसे छोटी मोटी तो हुई है बट ऐसे नहीं हुई कि कोई फैमिली तक बात पहुंच जाए या कुछ भी, ऐसे आज तक नहीं हुई है, भगवान करे आगे भी कभी नहीं होगी। वैसे होगी नहीं होगी, हम लोग मतलब लड़ते तो हैं पर हैंडल कर लेते हैं दोनों ही। देखो लड़ाइयाँ तो सब में होती हैं, जिनकी शादी हो रखी होगी उनको तो पता ही होगा, और जिनकी नहीं हो रखी उनको मैं बता देता हूँ। जैसे घर पर भी रहते हैं मान लो कि दो सदस्य हैं, तो उनमें भी कभी कभी हो जाती है शादी से पहले, जैसे भाई बहन हो गया या कोई भी हो गया, तो ऐसे ये रिश्ता होता है पति पत्नी का, उनमें भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी बात को लेके अब घर वालों को बोलो, ये अपने घर वालों को बोले या मैं अपने घर वालों को बोलूँ, फैमिली को मतलब उनके पास पहले ही बहुत प्रॉब्लम रहती है यार, जब ही तो फिर उनको और परेशान करो क्या मतलब। तो पापा ने ये बात बोली तो थोड़ा अच्छा लगा था कि हाँ चलो हमने ये छोटी छोटी बातों को लेके घर वालों को नहीं बोला, हमने खुद ही आपस में हैंडल किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, अगर कोई परेशानी थी आपस में तो एक तरह से उनका हमारे सामने बोलना एक बहुत बड़ा रिवार्ड मिल गया हमें, ये मान के चलो हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज। ऐसे रहता क्या है कि जैसे नई नई शादी होती है, जैसे एक तरह से दोनों अलग अलग घर में रहें तो दोनों का अलग अलग माहौल रहता है, अब दोनों एक साथ जब आते हैं तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे अच्छी लगती हैं कुछ मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही मेरी कुछ बातें इनको अच्छी लगती हैं कुछ नहीं लगती। अब होता क्या है कि जैसे चलो मैं अपनी बता रहा हूँ, इनकी कुछ आदतें, गोलू की कोई आदत है, जैसे कुछ आदतें मुझे अच्छी लगती हैं कुछ अच्छी नहीं लगती हैं, लड़ाई होने का मेन रीज़न बता रहा हूँ मैं तुमको तो जैसे कोई आदत अच्छी नहीं लगी ठीक है, और उसको ये इसने एक बार कर दी, मैंने इसको बोला नहीं लेकिन वो अच्छी नहीं लगी, तो अंदर ही अंदर फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन सा रहेगा, और वही काम फिर इसने दोबारा से किया तो फिर और चिड़चिड़ापन हो जाएगा, फिर तीसरी बार किया तो ऐसे इकट्ठा होगा, फिर एकदम से बम फटेगा फिर वो एक तरह से ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। फिर तो जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन जिनकी होने वाली है उनको मैं बता देता हूँ, अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उनको बुलाओ, प्यार से बोलो कि तुम ये जो काम कर रहे हो तो मुझे इसकी आदत नहीं है, तो अगर हो सके तो ऐसे मत करना, मतलब मेन चीज़ रिश्ते का ये होता है कि एक दूसरे को समझना चाहिए, ये मुझे समझते हैं मैं नहीं समझती हूँ, इसलिए कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं हम दोनों के बीच में ना कभी आएगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ समझदार बहुत है बोली। वैसे इसकी एक आदत मुझे अच्छी लगती है, एनी टाइम इन एनी सिचुएशन ट्राई टू बी हैप्पी, ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है खैर ठीक हो, बहुत ज्ञान दे दिया, इतने ज्ञानी हमें है नहीं अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक और ऐसे प्यारे से अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, हैव अ नाइस डे। और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय।